यस क्या लेके आ गई? इतना तो भी लेके आई हूँ, बाल लेके आ रही है बाकी। ओह माय गॉड, एक घंटे की बारिश से देखो पूरा का पूरा भर गया इलाका, डूब गया पानी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज मी योर सुशांत पांडे, यू वाचिंग ब्रांड न्यू डे ऑफ सुश ब्लॉग्स। अभी बारिश होने के बाद वेदर काफी खूबसूरत सा हो रखा है, तो हम और रूथ दोनों यहाँ पे आए हैं वेदर का लुक उठाने। कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है, पीछे इफेक्ट ऑफ बारिश और इधर सनसेट हो रहा है, स्काई इज पिंक। हम लोग इधर बस व्यू एंजॉय कर रहे हैं और घूम रहे हैं छत पे, थोड़ी देर में नीचे चलेंगे फिर उधर मिलते हैं आप लोगों से। ऑलराइट, सो हम आ गए नीचे और अभी डिनर का टाइम हो गया, दो तीन बार कॉल हो चुकी है मेरे को, तो चलते हैं देखते हैं अभी क्या बन रहा है किचन में। अभी चल रही है डोसा की प्रिपरेशन। हमारी पड़ोस में जो भाभी हैं वो इनको टीच करके गई हैं अभी ऐसे बनाना, एकदम कड़क डोसा कैसे बनता है। ये भाभी ने बनाया है, ये भाभी ने बनाया है, ये मतलब और ये कड़क ने बनाया, कड़क ये दो, और ये हमने बनाया और ये देखो इनका बनाया हुआ, तो क्या बोलते हैं वो चिल्ला, तभी चिल्ला चिल्ला चिल्ला, देखो डिफरेंस देखो, ये मतलब एकदम टाइट है डोसा और चिल्ला। तो इसीलिए तो हम लोग भाभी से सीख रहे हैं कैसे बनाना है, जो चीजें नहीं आ रही सीख, मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मैं नहीं करूँ। हाँ करो करो, चलो अभी अभी देखते हैं बना के खिलाना तब देखते हैं। अभी के लिए आज का डिनर यही है हमारा, बस हाँ फाइनली सीख रही हूँ ना, फाइनली आ गया। चलो एक निकला भी जल जाएगा हाथ में, सीख लिया। ये सांबर है, मेरे को चटनी बहुत अच्छी लगी, चटनी यार सच में भाभी की जबरदस्त चटनी, तो मतलब बहुत बढ़िया। ये मसाला, आ जाओ फटाफट बना के आ जाओ फिर चलते हैं डिनर करते हैं। डाइजेशन के लिए थोड़ी देर डांस सीख रहा था, हल्का फुल्का कुछ सिंपल से स्टेप कर रहा था, तो पसीने से भीग गया, बहुत ज़्यादा थकान लगती है डांस करने में और बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। बाय द वे डिनर हम लोगों का हो गया, करीब एक घंटे हुए हो गया, बाकी आज सारे लोग पता नहीं क्यों जग रहे हैं, सब बाहर घूम रहे हैं, कोई फ़ोन लेके तो कोई बाहर बातें बातें कर रहे हैं, मैं अंदर इधर बिजी हो गया था। और इधर क्या सही हवा चल रही है, अभी तो व्यू देखने को नहीं मिलेगा आपको, बट यहाँ पे जो हवा है ना लाजवाब, ऐसी थकान के बाद पंखे की हवा असर नहीं कर रही है, और एसी चलाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ऐसे में सबसे बढ़िया तरीका जो है इधर चेयर डालो और बैठ जाओ, ज़बरदस्त हवा सुकून मिलेगा एकदम। ये देखो ना, तो इधर किचन में कोई है ना इधर कोई है, सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। ये देखो भाई उधर घूम रहे हैं, भाभी इधर पड़ोस में आंटी के पास हैं और दीदी भी शायद उधर ही गई हैं, तो सब लोग बाहर टहल रहे हैं और मैं इधर अंदर मेरे सिस्टम लगा के आराम से डांस प्रैक्टिस कर रहा था। अभी टाइम देखो 11:30 बज रहे हैं, करीब 12 बजे तक सब जगेंगे और 1 बज जाते हैं सोते सोते। मैं इधर बिस्तर पे पड़ा पड़ा 1 बजे तक 1:30 बजे तक जगता रहता हूँ, कभी कभी तो इधर लैपटॉप पे मूवीज़ वगैरह लगा के देखना शुरू कर देता हूँ, तो 2 बज जाते हैं, ऐसे ही चलता है। तो फिलहाल के लिए अभी सबको बुलाता हूँ और थोड़ी देर बातें बातें करते फिर सो जाते हैं चुपचाप, सारे लोग मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग, नाश्ता रेडी है, चटनी। ऑलराइट, नाश्ता हो गया हमारा और अभी चल रहे हैं बाहर सब्ज़ी लेने जाना है, क्योंकि घर पे सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म है, क्योंकि प्याज टमाटर जो मेन यूज़ वाली होती हैं सब्ज़ियाँ, इनकी रिक्वायरमेंट हर एक सब्ज़ी में पड़ती है, तो ये लेने चलते हैं और मिलते हैं बाहर। हेलो आज भाभी अपने को फिर से मिल गया, बढ़िया। ओ भाई कट्टे कट्टे कट्टे, जबरदस्त कट्टे। आज हम सब्जियां दूसरे दुकान से लेने वाले, बिकॉज की वो जो शॉप थी वहां पे फ्रेश सब्जियां लाना अभी कम कर दिया, वो आलतू फालतू की सब्जियां लेके आता है। इधर एक आंटी जी हैं वो लगाती है शॉप, उनकी शॉप पे चलते हैं आज। इधर थी, इधर ही गई थी दुकान, आस पास ही उनकी, ये रही सामने दुकान। इधर है आंटी जी की दुकान, सब्जियां ले ली हमने, लेकिन सारी सब्जियों का रेट करीब 100 रुपए किलो हो गया है,
कोई भी सब्जी ऐसे नॉर्मल नहीं है 20-30 रुपए किलो इधर 25 रुपीज में 250 ग्राम 20 रुपए में 250 ग्राम ऐसा रेट चल रहा है। नहा लिया हमने और शैम्पू करने के बाद आपको पता है क्या होता है, लोगों के बाल खूबसूरत हो जाते हैं, मतलब सिल्की हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और मेरे बालों के साथ क्या होता है, एकदम रूखे सूखे डेड से नज़र आते हैं। फिर चाहे कोई भी कितना भी बढ़िया शैम्पू लगा लो, कितना भी महंगा शैम्पू लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बालों के साथ, ऐसे ही है, एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, मस्त कड़क अपने हिसाब से चलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पर। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, बाहर नहीं दिख रहा। ये देखो हमारे खिड़की पे कितने सारे कबूतर, इधर भी आ गए अभी और उधर भी हैं दोनों साइड। इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद की नहीं पसंद आती उसे, मतलब दूसरों की पसंद आती है सामने वाले की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे बाल ले लो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मेरे बाल पसंद आते हैं, बोलते हैं कि तेरे बाल सही हैं, सेट कर ले, अभी हिलता नहीं है, और मुझे उनके बाल पसंद आते हैं क्योंकि वो हमेशा उड़ा करते हैं इधर उधर, अच्छे लगते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने वाले की चीज़ें हमें पसंद आती हैं और ख़ुद की नहीं पसंद आती। वेदर तो सही हो रखा है बट ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही, क्योंकि कल रात में ही बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी निकल रही है इधर से। मेरे में घी डाल दो थोड़ा सा, फिर मैं खा के बताता हूँ कैसा बना है। आपकी भैया को बहुत अच्छी लगती है। हाँ सही है, बस बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी लंच हो गया हमारा रेडी, आज चावल नहीं खा रहे क्योंकि बहुत दिन हो गया चावल खा के उग गए हम। तो ले आओ, लेकिन अब वो घर वाला लाना, मार्केट वाला अचार खाने में उतना टेस्टी नहीं होता, पूरा नमक नमक और काफ़ी ज़्यादा ही कड़क हो। ये लो अचार भी आ गया, अभी टेस्ट करते हैं। वैसे आपको घर का अचार अच्छा लगता है मार्केट का? पक्का? नहीं अच्छा लगता मुझे भी। चलो फिर अभी लंच करके मिलते हैं, तब तक आप लोग भी जाके लंच कर लीजिए या नाश्ता कर लीजिए, जो भी टाइम हो रहा है, अभी शाम का टाइम हो रहा है तो नाश्ता कर लीजिए आप लोग। यस क्या लेके आ गए? इतना तो भी लेके आई हूं, बाल लेके आ रही हूं बाकी। ओह माय गॉड, अभी हम लोग जस्ट लंच करके बैठे ही हैं। आइए अभी, ये हमारी भाभी हैं जो टेस्टी खाना बना के देती हैं। और हम शॉपिंग कराने भी ले गए। शॉपिंग तो थम ही नहीं रही यहाँ पे भाभी, यहाँ पे शॉपिंग थम नहीं रही है, रोज कुछ ना कुछ शॉपिंग। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, इनको एक्साइटमेंट है अभी देखना है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। देखो अभी, अरे मैं नहीं देखूंगा, गिफ्ट मिल रहा है मुझे। ये गिफ्ट नहीं है, आज भाई का बर्थडे, कल भाई का बर्थडे भी है तो उसका भी प्लानिंग करना है अभी। क्या है तो इसको सब रखो अभी, और हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम चलते हैं अभी। इधर रखी है कीवी, वो खाने का प्लान करते हैं। ये कीवी तो टेस्ट करो, इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत सही लगता है। देखो कीवी के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से अस्थमा में हेल्प करता है, साथ में आपको ब्लड वगैरह बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाता है, आँखों की विजन में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हेल्पफुल है, डाइजेशन सिस्टम में फाइबर ज़्यादा होता है उसमें भी हेल्प करता है। बाकी इनसे पूछ लो नहीं क्या। वेल तो अभी हम चल रहे हैं, खाते हैं कीवी, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कुछ भी चलाते हो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू इंडिया। आई जस्ट वांट टू मेक इट लास्ट, ट्राई टू लेट गो ऑफ द पास्ट, आई क्लोज माय आईज, एम्ब्रेस द ब्लास्ट, स्लीपलेस नाइट्स।